दुल्हन के लिबास में तुम जेल जाती हुई अच्छी नहीं लगोगी। कबूल नहीं है और ना ही कभी होगा। तुम्हारे नाम से भी नफरत है मुझे, तुम्हारे इस खिलौने चेहरे से भी नफरत है मुझे। इस घर के लिए तुमने इतना कुछ किया तो जाते जाते इस घर की तरफ से मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। कोई भी जेल, कोई भी कोर्ट हमें हमारा वादा पूरा करने से नहीं रोक सकती, कभी नहीं रोक सकती। हमने अपने आप से और तुमसे वादा किया है सोया, हम तुमसे बदला जरूर लेंगे। हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे सोया। तुम सबने मिलकर हमारे साथ धोखा किया और अब तुम सबको इसका खामियाजा भरना पड़ेगा। हम वापस आएंगे सोया, अपना बदला लेने के लिए हम वापस जरूर आएंगे। वालेकुम सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला ने तो तुम्हें दोहरी खुशी दी है, जोया और नजमा दोनों नया मेहमान लाने वाली हैं। मुबारक हो, डबल मुबारक हो। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे तो आज तक यही लगता था कि माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन आज पता चला कि दोहरी खुशी किसे कहते हैं। वो तो है ही, नाती पोते किसे प्यारे नहीं लगेंगे, असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। जी, आप आइए ना। वाजिद भाई, सारी तैयारियां हो गई? जी। अच्छा, बूंदी के लड्डू कहाँ है? जी वो नजमा को बहुत पसंद है, लाइए भाई। और जोया के लिए ना पिज़्ज़ा। जी हाँ, उनका फेवरेट पिज्जा। आज भी पिज्जा? देखिए ना फूफी, हम सबका दिल जोया बाजी में बसता है और जोया बाजी का इस पिज्जा में। लाइए बॉक्सेस मुझे दीजिए और आप जोया और नजमा को बुलाकर लाइए, खाला आने वाली है, गोद भराई की रस्म अभी शुरू होगी। जी लग गया। अच्छा सुनिए, निकहत कहाँ है? निखत, निखत, मैं जानता था तुम आओगी। तलाक के पेपर्स है, दस्तखत करो। निखत प्लीज, निखत ऐसा मत करो। निखत मैंने गलती की, इस बात का एहसास है मुझे, लेकिन निखत मैं बदल गया हूं, मुझे मौका दो, मेरा यकीन करो। निखत प्लीज मेरा यकीन करो। फरहान, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि अगर मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी ना तो दोबारा तुम मुझे धोखा ही दोगे। चोर भले ही चोरी से बाज आ जाए लेकिन हेरा फेरी से कभी नहीं। और वैसे भी तुम्हें लोगों की जान लेने में बहुत मजा आता है ना। चुपचाप दस्तखत करो, मुझे तलाक चाहिए। निखत ठंडे दिमाग से सोचो, तुम ऐसे हमारे रिश्ते को कैसे खत्म कर सकती हो? निखत तलाक के बाद तुम्हारा क्या होगा? निखत
तुम जानती हो कि एक जवान तलाकशुदा औरत को दुनिया किन नजरों से देखती है। निखत, तुम्हारी जिंदगी में किसी का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है फरहान, मुझे इतनी हिम्मत इतनी ताकत किसने दी है? तुम ही ने। तुम्हारी वजह से मैं निखत से खुशबू बनी थी और तभी मुझे अपनी असली ताकत का एहसास हुआ है, उसके लिए शुक्रिया। और रही बात साथ की, तो मेरी पूरी फैमिली हर वक्त मेरे साथ है। फरहान, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, अपने बारे में सोचो। तुम्हारा क्या होगा? इन दीवारों को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन ये दीवारें अच्छे अच्छे को तोड़ देती है। और तुम हमेशा के लिए यहाँ पे सड़ सड़ कर क्यों जीना चाहते हो? इससे बेहतर है तुम अपने आप को आजाद कर। एक मिनट, और अपने आप को हमेशा के लिए आजाद करने के लिए ये तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, सारे जहान की खुशियां दे। खाला जान आई है। सलाम। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं दोनों बच्चियां। दिलशाद, इन्हें बुरी नजर से बचा के रखना, खूबसूरती को बुरी नजर बहुत जल्दी लगती है। अल्लाह आप दोनों को बुरी नजर से बचाए। निखत, जोया बस जोया, और भी चीजें हैं लाइफ में जो पिज्जा से ज्यादा अच्छी हैं और हेल्दी भी, लेकिन पिज्जा से ज्यादा टेस्टी नहीं। और आप तो जानती हैं, जब तक मैं पिज्जा ना खा लूं ना, मेरी भूख खत्म ही नहीं होती। ओफो, कोई इतना पिज्जा कैसे खा सकता है? बाजी, आप पिज्जा खा के बोर नहीं हुए, लेकिन हम देख देख के बोर हो गए। वाकई हुमैरा बिल्कुल ठीक कह रही है, इतना पिज्जा खाओगी तो तुम्हारा बेबी भी पिज्जा से बोर हो जाएगा। जी नहीं, मेरा बेबी बोर नहीं होगा, क्योंकि पिज्जा है ही ऐसी चीज, और मेरा बेबी मुझ पे जाएगा, मिस्टर खान पे नहीं। और वैसे भी इतनी टेस्टी चीज है, इससे कोई कैसे बोर हो सकता है? आ या। खा लो, खा लो। अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखना।
छोटी सी बात पे एक शेर अर्ज है, पीढ़ी से जब थक जाओ तब यूज करो लिफ्ट। ओहो, खाना तो अब हो गया, चलो खोलते हैं गिफ्ट। चलो गिफ्ट खोलते हैं। चलो चलिए, ये लीजिए आपकी। अरे वाह, कितनी क्यूट है। हाँ नजमा बाजी, आपको तो क्यूट ही लगेगी ना, आफ्टर ऑल इमरान जीजू ने जो भेजी है। ओह वाओ, दिस इज सो प्रिटी, देखिए। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये तो लड़की की फ्रॉक है, और लड़का हुआ तब। तब कोई बात नहीं, अगर मेरी बेटी ने ना पहनी तो मेरी भांजी पहन लेगी। But you know what? I really hope कि हम दोनों में से किसी एक को बेटी जरूर हो, है ना? बेटियों के कपड़े ना बहुत क्यूट होते हैं, really. लेकिन सिर्फ बेटियों के कपड़े ही नहीं, बेटियां ही बहुत क्यूट होती हैं। अरे ये पेपर्स ऐसे बिखर कैसे गए? खिड़की खुली है शायद इसी वजह से। अल्लाह, वाजिद जी आया। अब गाड़ी में से सामान निकाल लीजिए। जी। या अल्लाह, मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गई क्या? जी हाँ, बहुत देर हो गई है, पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया है, उसके बाद तुम आ रही हो। अम्मी, बड़ी अम्मी, लेकिन आप लोगों ने सारे गिफ्ट्स खोल लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सोया, मुबारक हो। बाजी, मुबारक हो। अम्मी, गिफ्ट दिखाइए ना। जो है भी, ये एक कुरियर वाला आया था, वो गिफ्ट देकर गया है। ओके। अम्मी, इस पे तो नाम भी नहीं लिखा है। खोल के देख लो। बस छुटकी, बहुत गिफ्ट खोलिए तुमने, बाकी गिफ्ट बाद में, पहले मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम चलो तो सही। बाजी आप भी चलो ना। चलो तो सही। अरे लेकिन आप हम दोनों को लेके कहाँ जा रहे हैं? तुम चलो तो सही, कम ऑन। ध्यान से उठाओ, ध्यान से। अरे अब चलो, चलो 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 चलो, आराम से आराम से, वहाँ पे चलो तो सही। हैरत, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? एक सेकंड। बाजी संभाल कर। कैसा लगा? मिस्टर खान, आप इतने क्रिएटिव कब से हो गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब आपने किया है। डाउट है? वो क्या है ना मिसेस खान, ये आपका कसूर नहीं है। एक हीरे की कदर एक अच्छा जौहरी करना जानता है। आपको तो मेरी कदर है नहीं, पर मेरे होने वाले बेबी को उसके पापा की कदर जरूर होगी। प्लीज मिस्टर खान, सिर्फ आपका बेबी नहीं होगा, हमारा बेबी होगा। ओके भाईजान, आपको याद है हम दोनों को बचपन में ऐसे खिलौने चाहिए थे,
मगर इसीलिए खुद मैंने अपने हाथों से ये रूम सजाया ताकि हम अपना बचपन हमारे बच्चों के बचपन के साथ फिर से जी लें, उन्हें वो सब कुछ मिले जो हमें हमारे बचपन में नहीं मिल सका। मैं चाहता हूं कि वो सब एक साथ खेले, एक साथ बड़े हो, हमेशा साथ रहे। भाईजान देखना, इन बच्चों को ना दुनिया की सारी खुशियां मिलेगी, बहुत सारा प्यार मिलेगा, सबसे खुश नसीब बच्चे होंगे। लेकिन हुमैरा, अब हम तुम्हारी तरफ से गुड न्यूज की वेट कर रहे हैं। क्योंकि तभी हमारी फैमिली बनेगी, कंप्लीट फैमिली और हैप्पी फैमिली। चलो फिर इसी बात पे एक शेर अर्ज है। हिंदी फिल्मों में सर्वेंट होते हैं दीनूज, भोलूज एंड रामूज। हिंदी फिल्मों में सर्वेंट्स होते हैं दीनूज, भोलूज एंड रामूज। देखो कितने टैलेंटेड हैं हमारे होने वाले बेबीज के मामूज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चुटकी जूनियर, टमाटर जूनियर के मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे हम दोनों की बैंड बज गई करते करते। और मैं तो आपके लिए हैरान हूँ, आपको भी सीक्रेट रखना आ गया, पूरा रूम सजाती और हमें पता भी नहीं चला। अदरवाइज ना ही लव्स टू बी ड्रामा, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सीक्रेट्स रखते हैं लेकिन कुछ बड़े बड़े नहीं, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स वगैरह ना। वो बॉक्स से याद आया, ये वाला बॉक्स तो खोला ही नहीं हमने, ये भी गिफ्ट आया था ना अम्मी, खोला आपने? खोल के देखो। हाँ खोल के देखती हूँ। एक मिनट, ये भेजा किसने? पता नहीं, नाम नहीं लिखा है भेजने वाले ने, मैं देखती हूँ। नहीं मिसेस खान, एक मिनट, इसमें कुछ आवाज आ रही। तो मिस्टर खान, कुछ टॉयज वगैरह या ऐसा कुछ होगा ना, देखती हूँ ना खोल के। नहीं मिसेस खान। और छुटकी, आई थिंक सर ठीक कह रहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कम ऑन, ऐसी भी क्या बात है, इतने सारे गिफ्ट्स आए उनमें से एक ये भी है। This can't, why take a chance? Why not? I mean, This can't, इसमें क्या? इसमें क्या? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। देखा, हमने तुम्हें डरा ही दिया। गॉस यार, तुम दोनों इतने खराब हो, मुझे लगा सच में पता नहीं इस बॉक्स में क्या है। कौन मिसेस खान, आप ही ने कहा था ना कि I'm good at surprises, तो फिर क्या हुआ? असद, very bad, हाँ, very bad. अम्मी, मिसेस खान को डर लगना नामुमकिन है, है ना? पर मिसेस खान, जैसे ये मोहब्बत की निशानी है हमेशा के लिए, ऐसे ही हमारी मोहब्बत है हमेशा के लिए। अब देखना, हमारे प्यार को और इस घर को किसी की नजर नहीं लगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अंदर दिमाग खराब करके रख दी है, बहुत भागने की शौक हो रही थी ना, गाड़ी से भाग रही थी। ऐसी हरकत दोबारा ना कर पाए, चलो बांधो इसे, चल आ जा।
Ha ha ha!